दक्षिण नागपुर में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना शाखा की ओर से भव्य नेत्रजान शिविर संपन्न हुआ। इस मौके पर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रदेश सरचिटनीस हेमंत गडकरी और तमाम पदाधिकारी खास तौर पर मौजूद थे। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना दक्षिण नागपुर की ओर से निःशुल्क नेत्र जांच और चश्मों का वितरण किया गया। इस मौके पर मनसे के प्रदेश सरचिटनीस हेमंत गडकरी इनके हाथों डॉक्टर की टीम का स्वागत किया गया। दिघोरी परिसर के प्रभाग 28 में रहने वाले तमाम नागरिकों ने इस नेत्र जांच शिविर का लाभ उठाया। नागरिकों ने महाराष्ट्र नव निर्माण सेना के तमाम पदाधिकारियों के कार्य की सराहना की। दक्षिण नागपुर में महाराष्ट्र नव निर्माण सेना की ओर से कोविड कार्यकाल में अच्छे काम किए हैं। जरूरतमंदों को बेड उपलब्ध कराए हैं, ऑक्सीजन, रेमडेसिविर इंजेक्शन आदि सेवा दी है। कोरोना कार्यकाल में शहर के कई परिसर में खाना वितरण, अनाज वितरण भी किया गया है। मनसे प्रदेश सरचिटनीस हेमंत गडकरी के नेतृत्व में अच्छे मार्गदर्शन में शहर के हर परिसर में नए नए उपक्रम किए जा रहे हैं। इसी श्रृंखला में दक्षिण नागपुर के बेलता नगर स्थित इंस्पायर जिम में भव्य नेत्र जांच शिविर किया गया। दक्षिण नागपुर में महाराष्ट्र नव निर्माण सेना द्वारा किए जा रहे सामाजिक कामों की शहरवासी काफी सराहना कर रहे हैं। इस मौके पर महाराष्ट्र नव निर्माण सेना के प्रदेश सरचिटनीस हेमंत गडकरी इन्होंने बीसीएन समक्ष जानकारी दी। दर्शकों नमस्कार, इस समय में बीसीएन की टीम बेलदार नगर दक्षिण नागपुर के बेलदार नगर में आई हुई है। हम आपको बता दें कि बेलदार नगर के तमाम नागरिक आज यहां पे नेत्र जांच करने के लिए आए। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की इकाई की ओर से आज यहां पर भव्य नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया है। मोफत चश्मों का वितरण भी किया जा रहा है। इस समय में इंस्पायर जिम में बीसीएन की टीम आई हुई है। तमाम अधिकारी पदाधिकारी यहां पर दिखाई दे रहे हैं जिनके हाथों आज इस शिविर का उद्घाटन किया गया है। हम सीधा रुख करना चाहेंगे, इस समय में हमारे साथ में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रदेश सरचिटनीस हेमंत गडकरी जी, उनसे जानना चाहेंगे। हेमंत सर जी, ये बताए कि जिस प्रकार से ये जो कामकाज किया जा रहा है महाराष्ट्र नवनिर्माण सेने का, क्या कहना चाहोगे आप? महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेची नेहमीची पद्धत आहे। असे सामाजिक उपक्रम पक्षाच्या स्थापनेपासून तर आतापर्यंत सुरू आहे। इतर जे पक्ष आहेत ते महानगरपालिकेचं निवडणूक आल्यावर खडकन झोपेतनं जागे झालेले आहेत, मात्र आमचा जो पक्ष आहे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, असे सामाजिक उपक्रम हे नेहमीच आयोजित करीत असतो आणि नेहमीच ज्या समाजामध्ये आम्ही राहतो, मानवरूपी समाजाची मी गोष्ट करतो आहे, ज्या समाजामध्ये आम्ही राहतो त्या समाजाचं काहीतरी आम्ही उत्तरदायित्व लागतो आणि त्यानुसार जे संस्कार आमचे अध्यक्ष सन्माननीय रावसाहेब ठाकरे यांचे आमच्यावर आहेत एक सामाजिक सेवेचे, त्याला अनुसरून आमच्या या भागातील संघटक नितीन बोबाटे व त्याच्या सहकाऱ्यांनी हा अप्रतिम कार्यक्रम आज आयोजित केलेला आहे। मानवाच्या शरीरामध्ये असलेला आभूषण अलंकार म्हणजे नेत्र, डोळे, या डोळ्याचं जतन व्हावं, त्याची निगराणी चांगल्या प्रकारे राखल्या जावी, डोळे नेहमी चांगले राहावे आणि या डोळ्याच्या माध्यमातून ही सृष्टीचं दर्शन त्याला नेहमी चांगलं होत राहावं आणि त्याचं चांगलं कामकाज व्हावं, या उदात्त हेतूने डोळ्याची तपासणीचं शिबिर हे नितीन बुबाटे आणि आमच्या या भागातील सर्व सहकाऱ्यांनी इथे आयोजित केलेलं आहे। अभी जस्ट शुरुआत होने के बाद मेरे को जब जानकारी मिली है उसके अनुसार करीबन 75 लोगों ने अभी इसका लाभ उठाया है और ये शिविर दिन भर चलने वाला है। हम तो अभी उद्घाटन के लिए आए थे, तो उद्घाटन के समय में अगर 75 की संख्या होती है तो लगभग ये शिविर शाम तक चलने वाला है, तो इस शिविर का ज्यादा से ज्यादा इस एरिया की जनता लाभ लेंगी। सर, कोरोना कार्यकाल में जिस प्रकार से महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने चाहे लंगर बांटने का काम हो, ऑक्सीजन बेड की जहाँ किल्लत जा रही थी या कोई अस्पताल नहीं मिल रहे थे, ऐसे समय में जो जरूरतमंदों को, मरीजों को जो सहयोग किया है, मदद जो की है, उसके बारे में क्या कहना चाहूंगी? कितना महत्वपूर्ण था वो अनुभव आपके लिए? मैंने शुरू में कहा कि हमारे पे जो सामाजिक संस्कार जो है वो आदरणीय राज ठाकरे साहब के हैं और राज ठाकरे साहब की राजनीति की शैली ऐसी रही है, उन्होंने 90% ये समाजकारण किया है और इस समाजकारण को कहा तो भी राजकीय माध्यम से एक जलाधार मिलना चाहिए, इसलिए राजकारण का उन्होंने उपयोग किया है। अदरवाइज उनका सामाजिक कार्य सबसे बड़ा रहा है और उसी के अनुसार महाराष्ट्र सैनिक हमेशा सामाजिक कार्य पे ज़्यादा से ज़्यादा जोर देते रहे हैं।
तो आप थे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रदेश सरचिटनीस हेमंत गडकरी, जिन्होंने बखबीर बेपा के साथ बात करते हुए यह बताया कि किस प्रकार से कोरोना कार्यकाल में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की ओर से शहर के तमाम परिसर के लोगों के लिए चाहे अनाज बांटने का काम हो या अनाज की किट देने का काम हो या फिर मुफ्त चश्मों देने का काम हो या पुलिस कर्मियों की मदद हो या जो भी कोरोना वॉरियर्स है उनके लिए दिन रात महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के तमाम कार्यकर्ता इन्होंने कामकाज किया है, जिसकी पूरे शहर भर में काफी सराहना भी हो गई है। और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की ओर से आज बेलदार नगर में ये जो कामकाज लिया गया है, इससे भी इस परिसर के नागरिक काफी खुश नजर दिखाई दे रहे हैं। इंस्पायर जींस से कैमरा पर्सन माइकल के साथ संजय मीरे, बीसीएन न्यूज नागपुर।